बुलाए केसरिया रंग उसमें गुलाए रंगरेला तो अजयो बरसाने रसिया वृंदावन बिहारी लाल की सबको बधाई हो वैष्णव महिला मंडल की ओर की तरफ से आप सबको भगवान कृष्ण के विवाह उत्सव में चारों तरफ भगवान के साथ हम सब होली खेले सुंदर तालियों से अभिनंदन करेंगे वैष्णव महिला मंडल का जो स्नेहा जी का समझिए वो तो माँ बेटी जैसे रिश्ता बतलाती हैं पर मैं लगता है कि दोनों में एक ही आत्मा है शरीर जरूर अलग है पर एक बार सुंदर अभिनंदन तालियों के साथ आशा चौधरी जी का अभिनंदन और कल्पना जी वशितो राजन सत्त संकल्पैश्वरः साप व्याजेन विप्राणा संजहरे स्वकुलं विभुं आज परमात्मा ने विचार किया कि मेरे परिवार का विनाश हो परिणाम बहेलिया अपने बाण पे वही लोखन का टुकड़ा लगाया है शिकार खेलने चला है भगवान दारुक को लिए रथ में बैठे परमात्मा ने कहा दारुक चल प्रभास क्षेत्र में दारुक लेके चला है भगवान रथ के नीचे उतरे भगवान ने कहा दारुक तू भी उतर जा दारुक ने विचार किया कभी मैं रथ से उतरता नहीं था देखना मालिक कहीं भी जाए पर ड्राइवर गाड़ी में बैठता है आज दारुक को भगवान ने इशारा किया नीचे उतर दारुक नीचे उतरा भगवान का रथ आकाश की ओर गया दारुक विचार करने लगा क्या होगा भगवान ने कहा दारुक जा द्वारिका में कह देना आज से सातवें दिन द्वारिका समाप्त हो जाएगी समुद्र में डूब जाएगी जिनको सत्कर्म करना है जिनको यज्ञ करना है जिनको अनुष्ठान करना है कर डालें दारुक बोला प्रभो मुझे भी साथ लेते चलो कन्हैया ने कहा दारुक साथ में सब लोग आते जाते हैं आना ये तब संसार का मेला है परिणाम दारुक रोते रोते गया है परमात्मा पैर के ऊपर पैर रखे आराम कर रहे थे और उसी समय बहेलिया शिकार खेलने के लिए जा रहा था जब भगवान के पैर का अंगूठा दिखलाई समझा कि कोई मृग की आंख है उसने बाण निशाना लगाया बाण छोड़ा है और बाण जाकर के भगवान कृष्ण के पैरों में लगा है खून की धारा बहने लगी बहेलिया विचार किया मृग होगा दौड़ करके आया है देखा तो चतुर्भुज नारायण बहेलिया ने कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई मुझसे गलती हो गई है मैं तो मृग समझ के मारा था भगवान ने कहा बहेलिया ये मेरी इच्छा थी क्योंकि मैंने तुम्हें सुग्रीव का भाई राजा बाली यही थे भगवान ने राम ने मारा था उस समय उसने पूछा प्रभु आपने मुझे क्यों मारा राम ने कहा था चल अगली जन्म में तू मुझे मार लेना बहेलिया विचार कहने लगा प्रभु मुझे नरक होगा भगवान ने कहा बहेलिया चिंता नहीं कर
जिसको मैं मारता हूँ वो भी भगवान के धाम में जाता है, जो मुझे मारता है वो भी भगवान के धाम में जाता है। बहेलिया तू पहले पहुंचेगा मेरे, मेरा स्वागत की करने की तैयारी रखना, तू जा। बहेलिया धीरे धीरे आगे गया है, उसको इतना शोक हुआ, उसको चक्कर आया, जमीन पे गिरा है, बहेलिया की मृत्यु हुई है। आकाश में दुंदुभिया बजने लगी, सुंदर आत्मा परमात्मा की ओर जाने लगी। उद्धव जी को मालूम पड़ा, उद्धव जी आए हैं यहाँ। उद्धव और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद है। भगवान से उद्धव ने पूछा, भागवत धर्म क्या है? थोड़ा चर्चा करेंगे, समय बहुत कम है, फिर कभी समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, भागवत धर्म क्या है? जो भी आप करो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा प्रकटि स्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। उन्होंने कहा, भक्तों के लक्षण क्या है? भगवान का गीत गाते गाते, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान की कथा सुनाते सुनाते आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे, समझ लेना परमात्मा की भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उद्धव जी को भगवान ने कहा, हे उद्धव मैं जा जरूर रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया, पर मेरी मैं अपनी पूरी शक्ति भागवत जी में विराजमान करता हूं। भागवत जी की सेवा करना, भागवत जी का प्रचार करना, भागवत जी की कथा श्रवण करना, भागवत जी को सर पे लेकर के आपने पहले दिन यात्रा किया, जितना हो सके मैंने पहले भी आग्रह किया था, जो समर्थवान है जितना हो सके आप भागवत जी की सेवा करना, नहीं हो सके कोई बात नहीं, पर किसी भी यज्ञ में विघ्न कभी डालने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि स्वयं वांग्मयी मूर्ति है। ये भागवत कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, भगवान कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। उद्धव जी भागवत जी लिए और भागवत जी लेकर के धीरे धीरे बद्रिकाश्रम की ओर गए और परमात्मा के ऊपर पुष्पों की बरसात होने लगी, शंख की ध्वनियां बजने लगी, चारों तरफ से वाजंत्र होने लगा, जय हो जय हो। भगवान के शरीर यहाँ आत्मा निकली है, चार भुजा में भगवान धीरे धीरे। सब संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान को अंतिम प्रणाम कर रहे हैं। 7 दिन से बड़ा सुंदर परमात्मा का निवास, परमात्मा चतुर्भुज शरीर जमीन पर चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान अपने धीरे धीरे धाम को जाने लगे। संत महात्मा सब ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए ताली बजाते हुए जय हो। परमात्मा इस धरा धाम पर रहे, परमात्मा विदा हुए, उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, अब क्या कथा करें? सुखदेव जी ने विचार किया, बराबर 7वां दिन की समापन का समय है
और तक्षक नाग लोक से चल चुका है। सुखदेव जी ने विचार किया, अगर मैं बैठा रहूंगा तो कोई तक्षक की शक्ति नहीं की आ जाए। परिणाम सुखदेव जी खड़े हुए, सब लोगों ने प्रणाम किया, कोई साल उड़ाया, कोई दुपट्टा, कोई सोना, कोई चांदी, कोई कपड़े, कोई बर्तन, कोई अनाज, कोई सीधा। सुखदेव जी सब छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे जाने लगे और परीक्षित से उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा? परीक्षित ने कहा, प्रभो नष्टो मोह, ये जो मेरा मोह था कि मेरी मृत्यु होगी ये समाप्त हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या? कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी विनाश होता नहीं। परीक्षित ने इतना कहा, सुखदेव जी ने कहा, बस यही ज्ञान चाहिए कि आत्मा अजर अमर है। सुखदेव जी धीरे धीरे अपने स्थान में जाने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इतने में परीक्षित बैठे हैं और आगे की कथा सूत जी महाराज, नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ने कहा, मैं वहां था। तक्षक आया धीरे धीरे, बराबर चारों तरफ लोग बैठे हैं, परीक्षित के चारों तरफ सुंदर भजन संकीर्तन चल रहा है, जय जयकार। और तक्षक ने विचार किया, कैसे जाऊं? एक फूल के बीच में बैठ गया और स्वयं माली बनके फूल लेकर के परीक्षित को दिया। परीक्षित ने देखा, वास्तव में वहां काल बैठा था छोटा सा रूप में, पर परीक्षित को लगा कि मेरा कान्हा बैठा है, मेरा मालिक बैठा है। परिणाम तक्षक को परीक्षित ने प्रणाम करने के लिए गए तो तक्षक अपने रूप में आया। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद अपने कथा, अगर आभार मानना है तो स्वयं बांके बिहारी कन्हैया वृंदावन वाले का, बांसुरी वाले का आभार मानना कि आपकी कृपा से इतना बड़ा सुंदर यज्ञ समापन की ओर गया। और दूसरा अगर आभार मानना है तो विशाल जन समुदाय का है, नहीं तो गर्मी का सीजन, शादियों का सीजन कौन आया? गर्मी में सब लोग चार चार घंटे बैठे, और ऐसी कृपा है कि जहां जहां जाता हूं, जहां भागवत जी विराजमान होती हैं, इसी प्रकार का आनंद होता है। तो तमाम जनता का, अगर आप लोग नहीं आते तो किसे कथा सुनाते हैं? तो तमाम भाई बहने माताओं का, सबका आभार कि सुंदर आप लोगों ने हमें साथ दिया, चार चार घंटा बैठ के सुंदर आभार से कथा आप श्रवण किए। और आभार माने तो वैष्णव मंडल का, तमाम माताएं भाई बहनों का। दूसरा भी अगर आभार मानना है हमारे दिने भाई का, जिन्होंने बड़ा प्रयास करके माता जी का सुंदर साथ दिए, माता जी का साथ सहयोग। हम चाहते हैं कि दिने जी यहाँ आएंगे, व्यासपीठ पे आशीर्वाद लेंगे, सुंदर प्रालियों से अभिनंदन करेंगे।
मेरा आभार मानना आपके यज्ञ के आचार्य जो 2400 घंटा यहाँ रह करके और भजन भजन का साथ तो है ही है, वेद मंत्रों का पाठ जिन्होंने प्रातः काल 8 बजे से इतने भूदेव ब्राह्मणों से पाठ कराना, पूरी व्यवस्था देखना, ऐसे सब जानते ही हमारे छोटे भाई हैं, पर परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी हमारी आज्ञा में रहे उस ओम शुक्ला का जिन्होंने सुंदर भजनों के द्वारा आप सबको आनंद कराया है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे व्यासपीठ पे आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, परमात्मा उनको खूब सद्बुद्धि दे, खूब अच्छे विचार दे और समाज की धर्म की सेवा कर सके। एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे। संगीत स्टाफ में 5 लोग हैं, बड़ा सुंदर साथ, उपेंद्र तिवारी, विजय भाई, प्रशांत दूसरे कीबोर्ड में, तो बड़ा सुंदर उन्होंने साथ दिया। तमाम संगीत स्टाफ को अभिनंदन, कहीं भी जाता हूं सब मेरे साथ रहते हैं। दूसरा आभार मानूं एक कैमरा वालों को, मीडिया वालों का, जो उन्होंने बड़े सुंदर 8 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बड़ा सुंदर, जिनको कैसेट चाहिए भी वो आप वैष्णव महिला मंडल से मिलकर के ले लेना। आरती कुंज बिहारी की, सिंगी धरे